फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आज देख लेते हैं। एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम नोट कर लेते हैं। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो हम लिखेंगे ट्रेन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। भाई इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है। अच्छा, अब क्या हुआ, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम पर आवर कम कर दी जाए, तो सबसे पहले हम क्या करें, उसकी स्पीड को कुछ कंसीडर कर लें। तो मैंने कहा कि सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि इस डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा, तो चलिए टाइम को भी सपोज कर लेते हैं। तो मैंने कहा सपोज टाइम टेकन बाय द ट्रेन मैंने मान लिया टी आवर। भाई इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग गया, टी आवर्स लग गए। अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट है कितना कितना। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मुझे ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अच्छा, उसके अलावा मैं जानती हूँ, भाई क्या जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा हिंदी में कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्या हुआ, अब इसकी कंडीशन लगा देते हैं, स्पीड यदि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी इसमें इसकी जो स्पीड थी उसे आप क्या कीजिए, -8 कर दीजिए। डिस्टेंस तो उसे वही रखनी है, तो यानी 480 किलोमीटर। और टाइम क्या हो जाएगा, भाई टाइम तब 3 आवर्स बढ़ जाएगा, तो यानी टी प्लस 3 हो जाएगा। ये तो भी कंडीशन। अब इसी कंडीशन से पहले जो ट्रेन है 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, कितना ट्रेवल कर रही थी, 480 किलोमीटर टी आवर्स में और एक्स स्पीड से। तो मैं क्या करूं, इस कंडीशन से पहले लिख लू कि पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी x, डिस्टेंस थी उसकी 480 और टाइम था उसका t। ठीक है, ये तो हो गई मेरी पहली कंडीशन और ये हो गई मेरी सेकंड कंडीशन। अब बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन से मुझे क्या निकालना है, मुझे स्पीड निकालनी है। निकालने को मैं टाइम भी निकाल सकती हूँ, लेकिन टाइम यदि इस क्वेश्चन में पूछा होता कि टाइम और स्पीड दोनों निकालिए, तब मेरी इच्छा होती कि या तो एक्स की वैल्यू इधर रख दो या टी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इधर रख दो, लेकिन मुझे टी निकालना ही नहीं है, टी निकालना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा करिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना 1, उस इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लीजिए।
अब टी की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन नंबर वन से निकालूंगी तो ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू 480, या कहूं टी इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स। किया क्या मैंने, मैंने बेसिकली ये किया कि मैंने ये लाइन इसलिए खींची ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, किया मैंने कि इस वाली इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल ली। अब टी की वैल्यू निकाल ली, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स का मल्टीप्लाई टी में किया, 480 का मल्टीप्लाई अपॉन वन में हो जाएगा। अब टी की वैल्यू निकाल ली तो टी की वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन नंबर टू में रख दूंगी, तो टू में रखते ही यहां आ जाएगा 480 अपॉन एक्स, यानी टी खत्म ही हो गया, बचा क्या एक्स, और एक्स के टर्म में ही इक्वेशन बन जाएगी और एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूंगी। तो चलिए अगले स्टेप में क्या करें, नीचे वन मान के पहले कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस 8 का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया टी प्लस 3 में, और 480 का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया वन में, तो 480। अब एक्स का मल्टीप्लाई टी में करिए या ऐसा करिए, अब उठा के आप टी की वैल्यू रख लीजिए, तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब एक बार एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, तो मैं कहूंगी एक्स इंटू 480 अपॉन एक्स, एक बार इस एक्स का मल्टीप्लाई में 3 में तो ये हो जाएगा 3x, एक बार माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कर लीजिए जरा, करेंगे बाद में, चलिए 8 इंटू 480 अपॉन एक्स। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 480, तो 480 प्लस 3x। अब इस स्टेप पे जाके आप ऐसा कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का मल्टीप्लाई 8 में 0, 8 का मल्टीप्लाई 8 में 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन एक्स, माइनस के 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब क्या करिए, 480 यहां प्लस का है, उधर ले जाइए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स, माइनस के 480 माइनस 480, तो यहां मेरा बचा 0, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया 0, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, मान के एलसीएम ले लीजिए, 1x1 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, खाली आ जाएगा आपका x, तो मैंने कहा x, ठीक है। अब 1 का डिवाइड जब इस x में देंगे तो x टाइम गया, x का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ जाएगा 3x, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए, यहां क्या था मेरे पास में, x, x का डिवाइड इस x में दूंगी तो जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 3840 में करूंगी तो आएगा 3840, अगली बार में 1 का डिवाइड x में दूंगी जाएगा x टाइम, और x का मल्टीप्लाई 24 में करूंगी तो मेरा हो जाएगा 24x, और सामने तो 0 बचाइए इज इक्वल्स टू 0। अब 0 अपॉन 1 करके कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो जरा देखते हैं कैसा है, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, 3840 एज इट इज रहेगा, माइनस 24x भी एज इट इज रहेगा, और 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0। अब क्या करें, अब ऐसा कोई नंबर है जिसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड जा सके, मुझे नजर आ रहा है कि हाँ 3 एक ऐसा नंबर है, तो 3 का डिवाइड इसमें दिया तो 3 1 3 1x स्क्वायर हो जाएगा, 1x स्क्वायर को खाली x स्क्वायर लिखेंगे।
अब इसमें 3 का डिवाइड दिया तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, बचा 2, 24 हो गया, 3 एट जा 24, 0 और ये हो गया 3 एट जा 24, यानी 8x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है ना, पहले सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म मैंने इस टर्म में लिख दिया। अब